वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। खुश आमदीद जी। खुश आमदीद जी। आया नू भली करी आया पखैर रागले वेलकम अहलन वसहलन मरहबा। प्लीज वेलकम। आइए जी हमारी रिहाइश का। आप लोगों ने दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लेकिन चले आइए प्लीज। हाँ अगर आप अपना भी कह दे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं था। हाँ घर आपको माशाल्लाह जैसे मुश्किल जगहों पे जाते हैं वैसे ही आपने आपने रिहाइश पसंद की है। पहले भी मैं था कब्रिस्तान के साथ लोग जैसे ही गैलरी में छत पे आते थे सही तो वापस मुड़ जाते थे ना। हाँ तो मैं तो रहता था वहां सही तो यहाँ भी मैं ही हूँ। आइए जीना आपका अच्छा है माशाल्लाह से। बहुत सारे बैग्स नजर आ रहे होंगे आपको। एक नहीं है जी आप चार चार बैग्स तो जरा दिल की बातें करें आपसे। ईद मिले आपसे बताएं कुछ अपने बारे में। अक्सर बातें होती हैं पर्सनल सवाल होते हैं शौक के हवाले से बाकी हवालों से ज़ौक के हवाले से माशाल्लाह ज़ौक इंटीरियर तो बड़ा अच्छा किया हुआ आपने माशाल्लाह से। जी 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 अच्छा काफी लोग मुझसे पूछते थे आपकी लाइब्रेरी। हाँ मैं मुझे मेरे घर की लाइब्रेरी माशाल्लाह यहाँ भी बैठ जाते हैं हम होते हैं मैं और मेरी तन्हाई बहुत सुकून है मेरे आते हैं दोस्त बताते हैं कि तो इस्लामाबाद का अच्छा है सही बिल्कुल जो है ना आपको अभी शुरुआत कमी है यहाँ पर। हाँ खामोशी ये शहर का जो पोल्यूशन है नॉइस पोल्यूशन उससे अभी आप माशाल्लाह से भी बचे हुए हैं मतलब सब इंतजाम सब बंदोबस्त सब जी बब्बा खुद ही सही। असल में ये गाड़ी भी जो हमने ली अपने काम के हवाले से ली है आप देख सकते होंगे देखते होंगे शोज में कि हम कहाँ जाते हैं किन जगहों पे जाते हैं ना ऑफ रोड ही होता है सही इंतहाई ऑफ रोड मतलब कच्चे का इलाका कहेंगे क्या कहेंगे जहाँ तो मतलब दलदले होती हैं। गाड़ी लेने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ जी हमारा काम ऐसा है आप देख सकते हैं कि हम जाते कहाँ पे है ना टोटल ऑफ रोड जगहें होती हैं पहाड़ जंगल झाड़ियाँ कहीं रोड अक्सर नहीं होता इन जगहों पे क्योंकि अरसे से खाली होती है वीरान होती है तो कई जगहों पे हम नहीं भी जा सके। जब पहले ऑफिस में हम कार्स यूज करते थे आपको याद होगा कई जगहों से वापस आना पड़ा हमें गाड़ियां फंस गई हमारी सही तो इस हवाले से लिए ये भी बैंक की गाड़ी है बस आप सब पोल पट्टी खुले यार फानूस अच्छा है माशाल्लाह। आइए जी ये जगह तो आप जानते होंगे आप तो गुजर चुके हैं लाहौर से मैं भी आज पहली दफा पूरा विजिट कर रहा हूँ ये माशाल्लाह आपने क्या जबरदस्त चीज लगाई है जबरदस्त। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि ये कलेक्शन आपकी सर ईद सर ये ईद पे आपने ईद सर ईद तो क्या इत्माम कर लिया ये आपने सर हुआ था प्लीज तो आज जी हमने कहा जरा
ईद जो है ना वो सही से ईद हो। नेक्स्ट राजवी अच्छा पहले तो ये हो जाए फिर चलते हैं। जनाब अली सर आपने लेकिन मेरी पसंदीदा चीज आपने रखी है। हाँ जी मीठा मीठा भाई आपको पता है ना दरअसल जिन्नात की ना खसलतें हैं। मैं पूछ रहा हूँ मीठे को माशाल्लाह से भाई हमारे मेरी बस हो गई है मीठी। बचपन में मैंने इतना खा लिया मुझसे नहीं खाया करता। मैं तो रोटी जहाँ देखता हूँ ये रोटी मीठा है तो मैं रोटी कम देख लेता हूँ। ये मैंने अच्छी बात है ठीक है शौक हो बिल्कुल माशा तो इसके बारे में जरा क्लियर करते हैं। हाँ हाँ ये जो वो है जी नहीं अंगूर भी वही होते हैं ऐसा क्या ये ग्रेप्स का है यार सही क्योंकि क्या कहते हैं ग्लास जरा जो पूछे ना वो जरा जूस तो जी चलता है जी। तारुफ के मोहताज नहीं है आज भाई हमारे हर दिल अजीज कह लें कि कई लोग जो है ना अब तो आप खुद बता दें कि अब दुनिया में क्या होता है आपके साथ। हाँ जी माशाल्लाह से जी एसएसडी का वो क्या मैं तैयार का रेशू कम था बहुत डीप फ्रेंड जो थे वो आपका करते थे लेकिन एसएसडी में तो माशाल्लाह बच्चों ने साल में से शुरू किया है लोग माशाल्लाह से बहुत मेम्बर्स पेश आते हैं और अभी मेरे रिश्तेदार भी आए ससुराल तो माशाल्लाह सब सामने मेरे फैन मिले आपको सलाम पहुँचाए मिले बहुत बहुत मौकों से मिले। ये जो आपको बताने का मकसद था ना ये किराए का घर जी बैंक की गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ना कोई दुकान है ना कोई प्लॉट है ना कोई मकान है अल्लाह का शुक्र है। बताने का मकसद आपको ये मेरा जो असासा है ना जो असासा कहने एक मेरी समझ लें मेरी कमाई कहने वो है ये मोहब्बत जो बहुत कम लोगों को मिलती है और इतने कम पीरियड में तो कम ही होते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार हम हैरान हैं कि लोग आपसे जो मोहब्बत रखते हैं इस दौर में खुतूत का आना ऐसे तहाइफ का आना ऐसी मोहब्बत का इजहार ऐसी दुआओं का क्या सदके देना हमारे ऊपर गायबाना दम करना हमारी नजरें उतारना हमारे लिए दुआएं करना और सिर्फ ये नहीं कि मखसूस तबका एक खवातीन हजरात बूढ़े बच्चे तमाम मुझे जो मिलता है ना हमारी पूरी फैमिली तो ये समझ लें मैं आप लोगों को आज खुल के बता देता हूँ कि जो मैं फैमिली का नाम देता हूँ ना वो क्या है और एसएसडी के देखने वालों को आपने नोट किया वो कभी मैंने फैन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो तो आम लोग होते हैं या आम प्रोग्राम या आम चीजों के अक्सर फैमिली जो बनती है ना एक ताल्लुक वो फरमाते हैं यार कुछ हो जाए ताल्लुक खराब ना कुछ हो जाए ताल्लुक खराब ना और इसी ताल्लुक की वजह से ही मैंने आपको इंतजार करवाया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ शोज अभी तक नहीं आ सके सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक जो है ना हमारा यार इसमें कोई वो ना है कोई नहीं चार में से दो तो आ गए बाकी दो भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह अब तो प्रॉपर हो जाएंगे इंशाल्लाह तो उसके लिए जी खैर हमने इस पे बात नहीं करनी थी आज यार ईद का दिन है यार लेकिन पब्लिक इंसान कर रही है ना सर हमें मैसेज पढ़ लिया आप लोगों का जी और एक हम सब कुछ चाहते भी कि उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहे तो हमारे अंदर भी महसूस होता है जी इंशाल्लाह। बाकी सुहेल भाई को भी आप लोग कई लोग सलाम दुआ देते हैं पहुंचती है हम तक वो जी खैरियत से हैं कमान भाई भी खैरियत से हैं मोहसिन भाई भी खैरियत से असद भाई भी खैरियत से सबके मैसेज आए माशाल्लाह सबके वैसे सब खैरियत से हैं जी आप लोगों के गांव से सर चीयर्स आज जी आप लोगों से कुछ खुसूसी दो लोगों को मिलवाना अच्छा जबरदस्त लाली लाली मैं बुलाता हूँ वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बेटा मेरा मेरा कैसे मेरे बच्चा आइए जी आइए आपसे मिलवाना है प्लीज बैठ बैठो बैठो आप हैं जी मोहम्मद अली सज्जाद सही माशाल्लाह आप हैं जी अब्दुल्ला सज्जाद अब्दुल्ला बेहतरीन मैं ना इनको अली भाई और अब्दुल्ला भाई कह के बुलाता हूँ मुसलमान मुसलमान भाई होते हैं ना आपस में सही और अब तो लगते भी माशाल्लाह माशाल्लाह तो आज जी आपको जो मिलवाने का मकसद खुसूसी इनसे था वो ये कि इन भाई ने माशाल्लाह एतकाफ पूरा किया है माशाल्लाह माशाल्लाह 10 दिन का पिछले साल की वो वीडियो वायरल हो गई थी हमारी फैमिली में शेयर की थी इन्होंने पूरी तरावी शायद पढ़ी थी आपने फर्स्ट टाइम उन्होंने तो वायरल हुई है वो मैं इनको हार वार पहना रहा हूँ फैमिली ने शेयर की
कई लोग ना वो वहां से कॉपी करके शेयर कर देते हैं। आज सुबह मुझे कोई इटली से कॉल आई एक खातून की, तो वो कहती है मेरी सुबह तो आपसे बात हुई है। मैंने कहा मेरी कब बात हुई आपसे? कहती है अभी वो कोई फेसबुक पे आईडी है पैरानॉर्मल रिसर्चर्स करके, वो तो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है पैरानॉर्मल हैपनिंग्स करके, वो हमारी नहीं है। कई फेसबुक पे फेक आईडीज हैं, फेक आईडीज हैं, वो हमारी नहीं है, तस्वीर और वो यूज कर लेते हैं, वो यूट्यूब से उठा रहे हैं, मैंने उनको काउंटर किया है। तो व्हाट्सएप नंबर जी आपके पास है मेरा, जिस पर मैं खुद रابطہ करता हूँ, खुद जवाब भी देता हूँ, स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। सही। तो माशाल्लाह जी इन्होंने ये खुद इनका शौक माशाल्लाह एतकाफ इन्होंने जी पूरा किया, इसे सादत कहते हैं, सादत नसीब हुई है माशाल्लाह। हम ऐसे कहते हैं ना आप खास करम खास नजर इनायत, और खुद से अच्छा इन्होंने भी, हमारे छोटे भाई भी मौजूद नहीं है, अच्छा सजावल सजावल उन्होंने भी सही। खास फर्क भी नहीं है दोनों की एज में ना, अच्छा ये दोनों माशाल्लाह इन्होंने एतकाफ परफॉर्म किया जी, और सर बहुत मुबारकबाद भी आपको दे रहे थे सारे। अच्छा लोग कहते हैं कि कुछ रिजेम्बलेंस के हवाले से, मुझे अली तो बहुत भी करीब तरीन लग रहा है आपके ना, और अच्छा। अब्दुल्ला भी शायद चेंज होगा। अच्छा अब्दुल्ला का नाम ये है कि मेरा फर्स्ट नेम जो है वो अब्दुल्ला है, जो लखा भी बाद में शराब से दे गया। जब अब्दुल्ला अभी आवाज मिलती तो मैं भी चौंक जाता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ लड़के मुझे अब्दुल्ला ही अभी तक कॉल करते हैं। सही। तो माशाल्लाह से बच्चे तो बहुत सादत हैं, मैं तो देखी रहा हूँ माशाल्लाह से। वो थोड़ी बहुत शरारतें चलती रहती है, आपको पता मेरे कितनी शरारती है। आप यकीन करें हम मूवी साथ देखने जाते हैं, सही, हम स्नूकर साथ खेलने जाते हैं, हम कभी कभी क्रिकेट साथ खेलते हैं, हम पतंग साथ उड़ाते हैं, हमने कबूतरबाजी का शौक साथ किया, हम लोग जहाँ जाते हैं बाहर हम एक दूसरे से मशवरा करते हैं, पूछते हैं, प्लान करते हैं, जो पूरे मुत्तफिक होते हैं सब, फिर ही कहीं जाते हैं। सही, ऐसा ये अच्छा है, ये मतलब वोटिंग होती है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ज्यादा तो नहीं कह रही हूँ, बात की कोई आपस की बात। अच्छा मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने अली के स्नोकर की बड़ी तारीफें सुनी है अब्दुल्ला की ना, मैंने एक वीडियो बना रही इन दोनों की स्नोकर की ना, कि मैंने सुना क्योंकि आपको तो मैंने खेलते हुए देखा है, आप कैसे क्यों शौक पूरे किए थे, मुझे इन दोनों को भी देखना है ना कैसे। सर आप स्टिक लेके आए ना, स्टिक गाड़ी में रखी होती है ना, मैं आपको जी शौक थोड़े से दिखाता हूँ अपने पतंगबाजी के दिखाने। कराची में तो कर सकते हैं ना, और आपका तो एरिया भी खुला डुला है, कहाँ आते हैं आप? ओ खैर ओ खैर ओ खैर। अच्छा जी ये तो आप ले आए स्टिक स्नूकर की, ठीक है, और ये दिखा दे, ओ माय गॉड, ये जी शौक है थोड़े से, ये थोड़े से वो क्या ना मट्टी मट्टी हो रहा है मुझे याद। अच्छा ये जी स्टिक आपको दिखा देते हैं हम, ये आप यकीन नहीं करेंगे, तोहफा आया है हमें। अच्छा और यूके से तोहफा आया था, जबरदस्त। ये देखें जी ये शौक है हमारे, जो खेलते होंगे वो समझ जाएंगे। है आपने नहीं की ट्राई किया नहीं की तो इंशाल्लाह प्रोज हो जाए फिर खेलेंगे, आप भी प्रॉपर खेलना है। आए जी तशरीफ रखते हैं, या क्या इरादा है, क्या प्लान है, इजाजत लेनी है, ले लो इजाजत। चलें चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज़। तो इंशाल्लाह जी ऐसी सरप्राइजेस देते रहेंगे आपको, सरप्राइज यार कितना एक समझने अच्छा एक अमल कह लें इसको, एक खुशी मतलब पॉजिटिव सरप्राइजेज हों, सही, ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं सरप्राइजेज देना लेना, अचानक खुशी जो होती है, यस यस, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। मैं आपको अर्ज करूं कि हम क्वेटा से आए एक हफ्ते बाद ज्यारत पे जब गए थे बिग फुट पे, यहाँ ये लोग दुआएं मांग रहे थे, सही, नफलें दुआएं ये वो, मैं वापस आया तो मुझे याद है वो वीडियो भी होगी, इन्होंने बड़ा एहतमाम किया हुआ था, अच्छा। तो उतने इतने थे दोनों ना, हाँ छोटे थे, इन्होंने घर पूरा वो किया हुआ था, तो अल्लाह पाक बरकरार रखें जी ये मोहब्बतें। और एक बात मैं नोट कर रहा था कि यार खुशी में ना, खुशी में हमें ना याद रखना चाहिए हमारे कुर्बो जवार में आस पास बड़े सफेद पोश लोग हैं शिराज भाई, पता नहीं चलने देते, भनक नहीं लगने देते यार, आप समझ नहीं सकते कि यार उनकी भी कोई ज़रूरत होगी, इतने पक्के होते हैं माशाल्लाह वो, लेकिन हमने कोशिश कर दी उनका ख्याल रखें आसपास,
जो हो सके जितना हो सके। तो कहा गया है कि आंखों की जबान समझा। आए आए ओए ओए, यही जो लोग अरबास में निकलते तो आप आंखों के आंखों से उनके दिल पे झांको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या। अल्लाह अल्लाह। और कहते भी है ना कि जो आंखों की जबान ना समझ सके तो उसके आगे अल्फाज जाया मत करें। आज मैं आपको जी राज देता हूँ, फरमाते हैं करम उस पर होता है जो दर्द रखता है, मतलब जो एहसास रखता है। एक तो कभी मौका मिल जाता है ना कि फलां की जरूरत आ गई आपके सामने, फलां ने मांग लिया, फलां ने कह दिया, तो कभी मौका मिल गया आपको ये, वो तो ठीक है, आपने मौके खुद ढूंढने हैं कहाँ कहाँ मैं क्या क्या हो सकता है मेरी जात से, फिर कर्म शुरू हो। तो फिर जब कर्म होता है तो सब होता है, जब कर्म होगा तो सब होगा। तो अभी जी हम सरप्राइजेस की तैयारियों में इंशाल्लाह बहुत सारे देंगे, आपको देते भी रहेंगे। और ये जी एक आपसे पर्सनल कुछ शेयरिंग थी, दिल की बातें थी। और दोबारा कह देता हूँ कि मेरा असासा, मैं लड़ पड़ता हूँ जी अक्सर जगहों पर, कई पॉलिसीज के ऊपर भी, कई एसओपीज के ऊपर भी ना, और स्पेशली कि नहीं जी वो क्या है, और एसएसडी की व्यूअरशिप है ना, इसका कोई नेम और बदल नहीं है। सही, ये हुआ भी नहीं आज तक ऐसा ना। तो बस मेरा ये होता है कि ताल्लुक बरकरार रहे, खराब ना हो। बाकी मैं कदर करता हूँ जी दिलो जहाँ से, पूरी कोशिश भी करता हूँ जवाब देने की। व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा होगा, हद से हद एक दो तीन दिन बाद जवाब दे देता हूँ मैं। कई लोगों ने ईद मुबारक, मतलब सैकड़ों मैसेजेस, शायद हजारों होंगे, सही शायद हजारों होंगे, बहुत ईद मुबारक कहा जी आपसे। मैं ना पिछले दो एक दो दिनों के अंदर देख रहा था कि इतने मैसेजेस ईद के लिए, तो सबको जी मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। और मैंने तो एक्सप्रेस में वो लिंक भी दिया है ना अभी, वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा, वो ईद पे नहीं देते आके ग्रीटिंग्स का, वो लिंक मैं यहाँ भी दे देता हूँ। बड़ा अच्छा लिखा क्रिएटिव ने ना, कि अल्लाह का इनाम है ईद, खुशियों का पयाम है ईद, दिल से तमाम रंजिशों को भुला कर मिलनी है ईद, दिल से खैर से ईद मुबारक। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।